जय श्री राम प्रिय भक्तों। प्रिय भक्तों, अगर आप किसी भी वस्तु को चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो जब आप रात को सोएं तो सोने से पहले यह 5 चमत्कारी शब्दों को बोलकर सोएं। ये शब्द इतने चमत्कारी हैं कि आप अगर प्रतिदिन इन शब्दों को बोलते हुए सोएंगे तो आपके जीवन में शांति, तनाव मुक्ति, सकारात्मकता बढ़ने लगेगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होने लगेगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये शब्द बोलने से किस तरह से मनोकामना पूरी होगी। देखो, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो हमारे शरीर को चला रही है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, वो हमारे भीतर ही है। तो उस शक्ति तक हमें वो बात पहुंचानी होती है। तो अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो बात उस तक पहुंच जाती है। तो गलत बोलोगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरे पास तो धनी नहीं है, मुझे कोई प्रेम ही नहीं करता है, तो इस तरह के शब्द बोलोगे तो वो शब्द उस शक्ति तक पहुंचते हैं और वो आपको वैसा ही बनाना शुरू कर देगी। यानी आप प्रतिदिन कहते हो मेरे पास तो धन ही नहीं है, तो धन जो है वो खत्म होता चला जाएगा। आप कहोगे मेरे से कोई प्रेम नहीं करता, तो आपसे कोई प्रेम करेगा ही नहीं, जो करते हैं वो भी आपसे दूर होने लगेंगे। तो आपको कभी भी ऐसे शब्दों का तो प्रयोग नहीं करना है। तो इसके विपरीत आप इन 4-5 चमत्कारी शब्दों को बोलोगे तो ये शब्द उस शक्ति तक पहुंचेंगे जो आपके भीतर है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसको हमारे शरीर का नियंत्रकर्ता कहा जाता है, जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, वो शक्ति आपके भीतर है। उसी शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो उस शक्ति तक बात पहुंचानी है। जब आप जब सोने लगे तब ये बोलने हैं। जब आपको लगे कि अब मुझे नींद आ रही है, उस का भी एक कारण है। नींद आने लगे तब जो आपका चेतन मन होता है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो जो है बाधा नहीं डालेगा उस समय, क्योंकि वो नींद की स्थिति में होता है। तो जब वो सोने लगे तो उसके मन में विचार नहीं आते हैं, तो वो आपके बात को शीघ्र ही परमात्मा की शक्ति यानी अवचेतन मन तक पहुंचाएगा। तो जब नींद आने लगे तब ये शब्द बोलने हैं। पहला शब्द है आशीर्वाद। यह शब्द सृष्टि की ऊर्जा को प्राप्त करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस शब्द के प्रतिदिन दोहराने से आपको अपने आप ही सभी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगेगा, सभी आपके रिश्तेदारों का, अपनों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब आपके ऊपर कृपा होती है, कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हो हर कोई, तो आप आशीर्वाद आशीर्वाद बोलोगे तो सबका आशीर्वाद मिलेगा। और जब आशीर्वाद में वो शक्ति होती है कि असंभव को संभव कर देती है। दूसरा शब्द है समृद्धि। समृद्धि, यह शब्द धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है। तो आप समृद्धि शब्द को बोलें तो आपके घर में धन का आगमन होगा और आपकी हर चाहत पूरी होने लगेगी, लक्ष्मी के आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी। तीसरा शब्द है स्वास्थ्य है। यह शब्द स्वास्थ्य है और ऊर्जा की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वह बिल्कुल दूर होने लगेगी, क्योंकि आप प्रतिदिन स्वास्थ्य 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 उस शक्ति तक पहुंचा रहे हो। चौथा शब्द है शांति। यह शब्द मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। शांति 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 बोलते हुए सो जाएं। पांचवा शब्द है दौलत। दौलत 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 का मतलब है कि आपके घर में इतनी दौलत आएगी, आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, आप कभी भी गरीबी का सामना नहीं करोगे। तो ये 5 शब्द हमने बताए, आशीर्वाद, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति, इन और पांचवा है दौलत। इन 5ों शब्दों को मन में दोहराते दोहराते सो जाएं। आप इसका चमत्कारी परिणाम हो सकता है पहले दिन से ही देखने को मिले, नहीं तो कम से कम इसे 21 दिन बोले। और हम तो कहते हैं 21 दिन ही क्यों, रोज बोलते बोलते सो जाएं, तो आपको इसका
इतना चमत्कारी लाभ मिलेगा कि आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। प्रतिदिन नई नई खुशखबरियां आपको मिलने लगेंगी। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, इसी को परमात्मा की शक्ति कहा जाता है। वो शक्ति आपके भीतर ही है, उस शक्ति तक बस इन शब्दों को पहुंचाना है। पहुंचने हो तो ये एक बार में पहुंच जाए, क्योंकि सारा खेल है कि आपके मन में कोई भी उस समय विचार ना हो तो तुरंत ही उस शक्ति तक वो आवाज़ पहुंच जाती है और तुरंत ही इसका चमत्कारी फल देखने को मिलता है। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।